मैं जसवीर अपने चैनल पे यूट्यूब पे आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको टू कलर का डिज़ाइन पैटर्न बनाना बताएंगे, जो हमने टू कलर में बनाया हुआ है। इसी को बनाना अब आज हम आपको सिखाएंगे। ये टू कलर में बहुत अच्छा लगता है। कलर आप कोई भी कम्बिनेशन ले लीजिए, उसी में आप बना सकते हैं। अगर आपके पास टू कलर की वूलन पड़ी है तो उसमें भी बना सकते हैं। तो ये ग्रेसफुल होता है, ये लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में भी डाला जाता है, और ये वाला डिज़ाइन आप बेबी स्वेटर में डाल सकते हैं। इसका बॉर्डर भी बनता है। अब जैसे इतना बॉर्डर बना लिया हमने, ऊपर हम प्लेन बनाएंगे तो इसको बॉर्डर के की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने ग्रीन और वाइट कलर में बनाया है। जे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जे हमने उसमें डाला है। तो आज हम आपको ये वाला डिज़ाइन इस कलर में बनाना सिखाएंगे। जे हमने दो लाइनें बॉर्डर की बना ली है बेस देने के लिए, कि अगर बॉर्डर के बाद आपने स्टार्ट करना है तो आपने कैसे स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाइट थ्रेड लगाया है। तो वाइट वूलन से हम क्या करेंगे, एक सीधा फंदा बुनेंगे, एक फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, ये हमारी फर्स्ट सिलाई है। फिर हम एक सीधा फंदा बुनेंगे, एक उतार लेंगे, एक सीधा फंदा बुनेंगे, एक उतार लेंगे, एक सीधा फंदा बुनेंगे, एक उतार लेंगे, फिर एक सीधा। ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बनानी है। एक फंदा आपने ऐसे ही उतारा और इसको बुन लिया, फिर हमने उतारा और इसको बुन लिया, फिर उतारा और बुन लिया। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। जी देखिए, हमने 23 फंदे डाले थे, तो 23 फंदे डाल के आप फिर डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऑड नंबर डालना है, जैसे जहाँ वाइट आया है तो जहाँ भी वाइट ही आना चाहिए। हमने एक वाइट जहाँ बुना है, लास्ट में भी एक वाइट। तो जब आप फंदे डालते हो तो उसको उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और हमारी सेकंड सिलाई है। सेकंड सिलाई पे हम क्या करेंगे, हम इस फंदे को उतार लेंगे। वैसे ही चलो हम बुनते नहीं हैं, अब हम इस फंदे को भी उतार लेंगे और थ्रेड इधर कर देंगे और सीधा बुनेंगे, इसको वाइट को सीधा बुनेंगे, फिर हम थ्रेड इधर करेंगे, फिर इसको उतारेंगे, फिर इसको सीधा बुनेंगे, फिर थ्रेड इधर करेंगे, ब्लू उतारेंगे और इसको सीधा बुनेंगे, थ्रेड इधर करेंगे, ब्लू उतारेंगे और इसको सीधा बुनेंगे, फिर इधर थ्रेड करेंगे, तो ऐसे वाला डिज़ाइन पीछे आएगा, ये उल्टे उल्टे नज़र आएंगे। फिर हम इस ब्लू को उतारेंगे और सीधा बुनेंगे, उतारेंगे और सीधा बुनेंगे। हमने ये सिलाई पूरी ऐसी ही बनानी है। अब एंड में देखिए, आपने इसको उतारना है, थ्रेड इधर करना है और लास्ट वाला फंदा बुन लेना है, ऐसे बुन लिया। अब हम थर्ड सिलाई में आएंगे। तो थर्ड सिलाई में हम क्या करेंगे, इस फंदे को हम अब दूसरा थ्रेड लगाना है, दूसरा कलर। दो लाइनें, दो सिलाइयाँ हम इस कलर से बनाई है, अब दो सिलाइयाँ हम ब्लू कलर से बनाएंगे। तो हम ब्लू कलर को लगाएंगे, तो हम इसको सीधा बुनेंगे, इसको भी सीधा बुनेंगे। सारे फंदे जितने भी हमें दिख रहे हैं वाइट और ब्लू, पूरे के पूरे हम सीधी सिलाई बना लेंगे, ना ही कोई सीधा बुनेंगे ना उल्टा, पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे एक ही कलर की। जब भी ब्लू कलर आएगा उसमें ऐसा ही बुना जाएगा। अब जो रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड भी हम पूरी ब्लू बुनेंगे और उल्टी बुनेंगे, ऐसे पूरी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। तो ब्लू कलर से हमने एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बनानी है। डिज़ाइन बहुत आसान है, ये देखिए ऐसा बनकर नज़र आएगा ये डिज़ाइन। तो अब हमने फोर्थ सिलाइयाँ बना ली हैं, हमारी फिफ्थ सिलाई है। तो हम वाइट कलर लगाएंगे, तो वाइट कलर से हम सीधा बुनेंगे,
अब जिस पे हमने सीधा नहीं बुना है फंदा, उसी पे हम सीधा फंदा बुनेंगे, तो हमारे दो फंदे अब सीधे आएंगे, दो फंदे। और जो हमने फंदा पहले बुना था वाइट, उस पे अब हम ब्लू फंदे को उतार लेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे ऐसे वाइट कलर से। अब इस फंदे को हम उतारेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, अब हमने दो सीधे बुन के स्टार्ट कर लिया है। तो ये हमारी फिफ्थ सिलाई है। अब इसको देखिए, हम उतारेंगे और इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतारेंगे, इसको बुनेंगे, ऐसे ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बनानी है। लास्ट में फिर हमने दो सीधे बुनने, ऐसे वाइट कलर के दो सीधे बुनने हैं। अब हमारी रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड पे हमने एक फंदा उतार लेना है जाली के लिए, चेन के लिए। अब जो जे फंदा दिख रहा है, इसको हमने सीधा बुनना है, थ्रेड इधर करना है, इसको उतारना है, थ्रेड इधर करना है, इसको सीधा बुनना है, थ्रेड आगे करना है, उतारना है ब्लू फंदे को और इसको सीधा बुनना है। ब्लू ब्लू फंदा उतारा, इसको सीधा बुनना, ब्लू फंदा उतारा और सीधा बुनना। ये हमने सिलाई पूरी ऐसे ही बनानी है। ये देखिए, ऐसे डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। अब हमने फिर वही रिपीट करना है, दो ब्लू की सिलाई बनानी है, सीधी और उल्टी, बस यही हमारा डिज़ाइन है। ऐसे पूरे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। पूरे फंदे सीधे बुनेंगे, तो उल्टा भी सीधा बुनेंगे, तो ऐसे हमारा डिज़ाइन रिपीट होता जाएगा। तो हम आपको बनाकर दिखाया है। अगर आपको ये हमारा डिज़ाइन अच्छा लगा हो, डिज़ाइन पैटर्न, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।